राकेश टिकैत से मिले हैं संजय राउत, मुजफ्फरनगर जाके राकेश टिकैत से। संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की है और जैसा कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि यूपी में इस बार शिवसेना 50 से लेकर 100 सीट तक अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, यानी यूपी के मैदान में उतरेगी। और इन सब के बीच राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की और उनको जो मराठी पगड़ी होती है, जो शिवाजी महाराज की जो पगड़ी है, टोपी होती है, उसको पहनाया, उनका स्वागत किया, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के भी ये कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि शिवसेना अब यूपी की जंग में उतरने वाली है। उसके पहले किसान नेता राकेश टिकैत से उनकी ये मुलाकात काफी कुछ बयां करती है। चलिए इन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 50 खबरों पर। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, पहली लिस्ट में 125 लोगों के नाम का ऐलान और इसमें भी 50 महिलाएं शामिल। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोंड को भी टिकट दिया है, उन्नाव से जो गैंगरेप पीड़िता की मां, उनको टिकट दिया और हमने उनको मौका दिया है कि वो अपना संघर्ष जारी रखे। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि लिस्ट में कुछ महिला पत्रकार भी हैं, एक अभिनेत्री हैं और एक बाकी संघर्षशील महिलाएं हैं। आज यूपी में तानाशाही सरकार है और हमारी कोशिश है कि मुद्दों को केंद्र में लाने की। टिकट बंटवारे पर बोले राहुल गांधी, ट्वीट कर कहा कि उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया वो न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। वाली में अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सीएम फेस जनता तय करेगी, एक फोन नंबर भी जारी किया जिस पर लोग 17 जनवरी तक अपनी राय दे सकते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि पार्टी के लिए जनता की पसंद महत्वपूर्ण है, भारत के इतिहास में पहली बार हम जनता से उनका मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा, करीब 175 उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। मथुरा से नहीं, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, हिंदू एजेंडे को मिलेगी धार, दिल्ली में पार्टी की बैठक में हुई चर्चा। यूपी के भदोही से विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने नहीं छोड़ी बीजेपी, फर्जी इस्तीफा वायरल करने वालों पर दर्ज करवाई एफआईआर। शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा, पिछले दो दिनों में 6 विधायक का इस्तीफा दे चुके हैं। आज यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट हो गई है तैयार। ओपी राजभर का बड़ा दावा, 20 जनवरी तक बीजेपी के 18 मंत्री देंगे इस्तीफा। आचार संहिता के बाद यूपी में 25 लाख से ज्यादा पोस्टर बैनर हटाए गए, 2 लाख से ज्यादा लाइसेंसी जो हथियार है उनको जमा करवाया गया। उत्तराखंड चुनाव को लेकर चमोली प्रशासन अलर्ट मोड पर, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कोरोना संक्रमण, आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे समीक्षा बैठक, बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,47,417 मामले सामने आए, 380 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 11,17,531 पहुंच गई है। देश के 27 राज्यों में फैला नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5,488 लोग संक्रमित और 2,162 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 1,281, राजस्थान में 645, दिल्ली में 546, कर्नाटक में 479, केरल में 350, पश्चिम बंगाल में 294 केस। दिल्ली में बेलगाम कोरोना, बीते 24 घंटे में 27,561 मामले सामने आए, 40 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 265 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, राज्य में 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में है। प्रयागराज के माघ मेले में पुलिस और पीएसी के 36 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से माघ मेला कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 51 हो गई। पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
साधु संतों से अपील की कि गंगा सागर मेले को छोटा किया जाए। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर ममता सरकार का निर्देश, गंगा सागर में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की वैक्सीन सर्टिफिकेट और आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कानपुर जिला प्रशासन सख्त है, जिम, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, रेस्टोरा, सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने का आदेश। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तराखंड में आचार संहिता के बाद ट्रांसफर पर चुनाव आयोग सख्त, मुख्य सचिव से मांगे रिपोर्ट। हिमाचल में बर्फबारी के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी, 400 से ज्यादा सड़कें बंद, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के महाराजगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत, 3 घायल। इसरो के नए चीफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ, इसरो के प्रमुख के सिवन की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, 1 जवान शहीद, 3 घायल। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 लोगों को भी आई चोट। भारत में घुसपैठ की फिराक में है, सीमा पार से करीब 400 आतंकी, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने भारतीय सेना को अलर्ट किया। भारत और अमेरिका के अधिकारियों ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में लिया हिस्सा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर। ब्रिटेन में लगातार 7 दिन कोरोना के मामले में कमी आई है, पिछले 24 घंटे में 1,29,587 लोग संक्रमित। अमेरिका में स्कूलों में कोरोना टेस्ट बढ़ाए जाएंगे, जो बाइडेन प्रशासन ने कोविड टेस्ट दोगुना करने का आदेश दिया है। अमेरिकी सेना में भर्ती होने के लिए मिलेगा $50,000 का बोनस, कोरोना महामारी के दौर में सेना में बहाली को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार का फैसला। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया मिसाइल परीक्षण पर कड़ा रुख तैयार किया है, नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। चीन में अफगानिस्तान के राजदूत जावेद अहमद कायम अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ट्विटर पर बताया कि देश में तालिबान के कब्जे के बाद सैलरी नहीं मिल रही। यमन के हुती विद्रोहियों ने 10 दिनों से लाल सागर में यूएई के जहाज पर कब्जा कर रखा है, इस क्रू में 7 भारतीय भी शामिल है। सोमालिया में मोगादिशु एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत। वित्त वर्ष 2022 में सरकार ने राजकोषीय घाटा 16.6 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया है। 2022 के बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफा होने के आसार, स्मार्टफोन समेत 50 सामान हो सकते हैं महंगे। कच्चे तेल के दाम में एक बार फिर से लगी आग, $84 में बिक रहा है 1 बैरल क्रूड ऑयल। यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में फूटा कोरोना का बम, टूर्नामेंट में कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव। किताबी श्रीकांत, अश्विनी पोनप्पा, रितिका, राहुल ठाकुर समेत कई खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, टूर्नामेंट से बाहर। खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल में वापसी कर सकते हैं, आखिरी बार 2015 में आरसीबी की तरफ से खेले थे मैच। नहीं रहे मशहूर कव्वाल एहसान भारती, बीमारी के चलते दिल्ली में हुआ निधन। दोस्तों संग मस्ती करती नजर आए, रिया चक्रवर्ती इंस्टा पर शेयर की फोटो, बोली खुशियों भरे दिन आए। अर्जुन कपूर ने ब्रेकअप की खबरों को नकारा, मलाइका अरोड़ा संग शेयर की सेल्फी, बोले अफवाहों के लिए कोई जगह नहीं।